गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभाश्री, गुड इवनिंग स्वाति, मनीष गुड इवनिंग, माधव गुड इवनिंग, कविता गुड इवनिंग, ललित शर्मा गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? अपूर्वा गुड इवनिंग, उत्तरदास, बस आ गया मैं, आप सब भी आ गए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेहा, आवाज आ रही है मेरी? बाला साहेब, कुछ नहीं हुआ बेटा, एवरीथिंग इज फाइन, गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदिल रशीद, थैंक यू आदिल, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो अनीता, ओके दैट्स फाइन, आवाज आ रही है, वेरी गुड, शाबाश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो लोग भी आए हैं फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा लो लाइक करके, ताकि पता चले कि कितने लोग आ गए हैं। ओके, तो पुट योर अटेंडेंस, है ना, लाइक बटन दबाएं, अटेंडेंस शो करें, ताकि पता चले कि हमें से जितने स्टूडेंट्स आए या नहीं आए अभी तक। कितने अभी? बहुत कम लोग आए आज, सिर्फ 137 लाइक्स, इतने कम। कोई बात नहीं, लगता है उनको बायोकेमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही होगी। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल तक हमने जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, हमने पीपीएम के बारे में पढ़ा था, पीपीबी के बारे में पढ़ा था, हमने मूल कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि मूलार सॉल्यूशन क्या है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आओ सब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल, गुड इवनिंग, बस आप जल्दी से आओ, टाइमली आओ। हाँ खान बिलाल, एक बार हमारी ऐप प्रिपेयर हो जाए जरूर आएंगे आप, इंशाल्लाह एग्जाम से पहले वो जरूर आएगा, एग्जाम से सफिशिएंट पहले आपके बायोडाइवर्सिटी वाले लेक्चर्स वहां पर आ जाएंगे, डाइवर्सिटी वाला पार्ट उस पर आ जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, मतलब 280 के आसपास लोगों ने लाइक कर लिया, इसका मतलब लोग आ गए हैं। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग दिस, थैंक यू, थैंक यू, मतलब आपने अपनी अटेंडेंस दे दी है। चलो हम आगे बात करते हैं। सो आज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज व्हाट इज एन एसिड, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी मीन बाय बेस, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी मीन बाय पीएच, then we will try to solve some questions that how we can assess the pH of strong acids as well as weak acids. थोड़ा सा हम KA का concept भी पढ़ेंगे और PKA क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. Okay? So, सबसे पहला question कि what is an acid? तो ये बहुत straightforward answer है. इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एसिड का मतलब क्या है. ओके, सबसे सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर हम कहें कि एसिड्स आर दोज मोर मॉलिक्यूल्स विच हैज अ प्रोटॉन और अ हाइड्रोजन आयन एंड विलिंग टू गिव इट, जिनके पास प्रोटॉन हो या जिनके पास हाइड्रोजन आयन हो और वह उस प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को देने को तैयार हो, यानी ऐसी कोई भी फॉर्म, एच ए फॉर्म, जिसके पास हाइड्रोजन आयन व लिबरेट कर सके, उन सबको हम क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे. गुड इवनिंग एवरीवन, अदिति, सुषमा, हरेश, नूतन क्लासेस, आशी, अभिषेक, अमन प्रेजेंट, ओके, अक्षय भी प्रेजेंट, ओके अक्षय, बिल्कुल. सो एसिड्स की सबसे सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन हो सकती है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन या प्रोटॉन दे सकते हैं. वेरी गुड भारत, गरिमा सिंह, ओके, दिस कुड बी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. ओके, देन सो जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल जिसके पास कोई प्रोटॉन हो और जो प्रोटॉन को एक्वस सॉल्यूशन में दे सके, और डियर फ्रेंड्स जब कभी भी कोई एसिड डिसोशिएट होगा
एच प्लस आयन देगा तो उससे बनने वाली फॉर्म को हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस। क्योंकि जो ए माइनस फॉर्म है ये एच प्लस आयन दे तो नहीं सकती, पर ये एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर कर वापस एच ए वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती। सो एसिड इज अ फॉर्म विच कैन गिव एन एच प्लस आयन, और जब कभी भी एसिड डिसोशिएट होगा तो उससे हमेशा एक कंजुगेट बेस बनेगी, कंजुगेट बेस जो कि एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकती है और वापस एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। प्रणाम देव मिश्रा, कावेरी प्रेजेंट, ओके शाह बिलाल, जो भी हैं प्रेजेंट हैं वो बस लाइक कर प्रेजेंट को शो कर दें ताकि पता चले कितने बच्चे आते रहते हैं, कितने बच्चे हमारी क्लास में अटेंड कर रहे हैं, लोगों को भी पता चले, है ना। और लाइक करने का आपको खुद को ही फायदा है, वो वीडियो आप बाद में देखेंगे तो आपके सीधा लाइक वाले ऑप्शन के अंदर जुड़ जाएगा, मतलब आपको वापस सर्च करने की जरूरत नहीं है, दैट विल मूव टू योर यू कैन से डैशबोर्ड। सो आपको खुद को फायदा है, हमें तो फायदा ही, हमें अटेंडेंस पता चलेगी कितने स्टूडेंट्स हैं वो अभी एट प्रेजेंट जुड़े हैं हमसे। खैर, तो एसिड वह फॉर्म है जो डिसोशिएट होने पर एच प्लस आयन देते हैं और एक कंजुगेट बेस देते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं हर एसिड में एक कोई कंजुगेट बेस छुपा हुआ होता है। जैसे स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड एक एसिड है ना, एसिटिक एसिड सपोज हमने कहा कि एक एसिड है, क्यों एसिड है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है जो ये दे सकता है और कन्वर्ट हो सकता है CH3CO माइनस प्लस, इट कैन प्रोवाइड एन H प्लस आयन। तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम, अगर एसिटिक एसिड एसिड है तो एसिटेट क्या है, कंजुगेट बेस। फॉस्फोरिक एसिड अगर एसिड है तो फॉस्फेट एक बेस है, सल्फरिक एसिड एक एसिड है तो सल्फेट एक बेस है, कार्बोनिक एसिड एक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस बाइकार्बोनेट है। समझ में आ रहा है ना कि जो फॉर्म एच आयन दे सकती है उसे एसिड का और जो फॉर्म एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकती है उसे कंजुगेट बेस कहा गया। एसिड्स को हम कई और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इट प्रोड्यूसेस एन एच प्लस आयन और अ हाइड्रोनियम आयन इन अ वॉटर। जो भी एसिड से H प्लस आयन लिबरेट होगा वह जनरली एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि इट इंटरेक्ट विथ एन H2O एंड विल हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन इन अ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म। तो हम एसिड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, जितना ज्यादा एसिड होगा उतने ज्यादा सॉल्यूशन में H प्लस आयन, और जो H प्लस आयन है दे विल बाइंड विथ एन H2O एंड विल कन्वर्ट टू एन हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हाइड्रोनियम आयन आते कहां से हैं, H प्लस आयन से। एक और डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड्स आर दोस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसे हम एसिड कह सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे तब हम बात कर रहे थे ना हाइड्रोजन डोनर और एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बारे में। ओके, और सिंपल सा वर्ड ये भी कह सकते हैं कि एसिड्स दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। तो कई सारी जो सिट्रिक एसिड है, लेमन के अंदर जो एसिड्स हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। एंड सिंपलेस्ट कंसेप्ट और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर में ऐड करने पर पीएच को 7 से कम करते हैं या जिनका पीएच 7 से कम हो उनको एसिड कहते हैं। ठीक है, ओके, सो व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स आर सम मॉलिक्यूल विच ऑन डिसोसिएशन गिव्स एन एच प्लस आयन, और इन अदर वर्ड्स एक्वस सॉल्यूशन में उनकी वजह से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड्स वह होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एसिड सोर टेस्ट के होते हैं और एसिड्स का पीएच जनरली 7 से कम होता है। ठीक है, अब जो एसिड्स हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जनरली उन एसिड्स को कहा जाता है विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स काउंटर पार्ट आयन। ऐसा कोई भी एसिड जो 100% एच प्लस आयन और ए माइनस आयन में डिसोशिएट हो जाए, जितना एच ए है उतना
H प्लस आयन 100% A माइनस आयन बन जाए, 100% डिसोशिएट हो जाए, रेडिली जो डिसोशिएट हो जाता हो, जो आसानी से H प्लस आयन देता हो, तेजी से H प्लस आयन देता हो, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। सो टेक्निकली डेफिनेशन ये है, विच डिसोशिएट्स 100%, जो जिसका कंप्लीट डिसोशिएशन होता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, हाइड्रोआयोडिक एसिड दैट इज HI, परक्लोरिक एसिड दैट इज HLO4, क्लोरिक एसिड दैट इज HLO3। ये केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। वीक एसिड्स हैं जो 100% H प्लस आयन में डिसोशिएट नहीं होते, आसानी से H प्लस आयन लिबरेट नहीं करते, 5% डिसोशिएट हो रहे हो, 1% डिसोशिएट हो रहे हो, 50% डिसोशिएट होते हो, 30% डिसोशिएट होते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच, मतलब आसानी से वो डिसोशिएट नहीं होते, उन्हें वीक एसिड्स कहा जाता है। पर वीक एसिड से ये मतलब मत निकाल लेना कि वीक एसिड में हार्ड डालोगे कुछ नहीं होगा, वीक एसिड भी हमें जलाने के लिए काफी है, बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच आर विच डिसोशिएट कंप्लीटली एंड द एसिड्स विच आर नॉट डिसोशिएटिंग कंप्लीटली आर रेफर्ड टू एज वीक एसिड्स। और बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादातर जो एसिड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे वीक एसिड हैं। ओके, जैसे कि सिट्रिक एसिड, पूरा टीसी साइकिल आप याद कर सकते हो, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड एटसेट्रा, और इवन ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरविक एसिड, एनरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड, जो भी ये सारी एसिड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ये सारी सारी कैसी एसिड है, वीक एसिड्स है। ओके, समझ में आया? तो हमने पहली स्लाइड में ये बताया कि एसिड्स क्या होते हैं, तो सिंपल वर्ड्स हमें एक लाइन याद रखें बहुत है, बाकी हमें ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं। जो H प्लस आयन दे सके वो एसिड है, जितने H प्लस आयन वो प्रोवाइड करेगा उतने वाटर में हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सके या जो OH प्लस आयन OH माइनस आयन को दे सके उसे बेस कहेंगे हम आगे चलकर। एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड्स कुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो 100% डिसोशिएट होते हैं, ऊपर की तरफ मैंने यहां पर कुछ फॉर्म्स बता रखी है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और नीचे जो 100% डिसोशिएट नहीं होते, जो रेडिली डिसोशिएट नहीं होते, उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, और हमने कहा बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादातर जो एसिड्स हैं दीज आर वीक एसिड्स। यहां तक समझ में आई? हाँ अर्शद, बिल्कुल। HCl जो स्टोमक के अंदर है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, तो ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स से हुआ, वीक एसिड्स हैं। तो जो भी लेट आए हैं वेलकम, अभी तक हमने कोई ज्यादा बात नहीं की है, हमने सिर्फ एसिड क्या होता है वह पढ़ा है, और एसिड्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। पर जो भी लेट आए हैं वह भी अपनी अटेंडेंस लगा लें लाइक बटन हिट कर ताकि पता चले कि कुछ लोग अब और जुड़े हैं। प्रीति, कोई भी एसिड हो उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो कोई हार्म नहीं है, कंसेंट्रेटेड एसिड के अंदर देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे और बातें समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय पीएच। पीएच को सिंपल वर्ड्स में हम इसे डिफाइन करते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं उसको मेजर करने के लिए एक टर्म डेवलप की गई जिसे पीएच कहा जाता है। ओके, सो पीएच से हम क्या असेस करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। गुड इवनिंग शिक्षा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। पहले हम पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हम वापस बात करेंगे। ओके, हम डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं हम, ताकि डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बाकी लोग पहले से आ चुके हैं, दे मे गेट डिस्टर्ब। ओके, तो हम बाद में गुड इवनिंग करेंगे। चलो, तो What is pH? pH is basically a power of hydrogen ions. pH और H plus ion के अंदर inverse relationship होती है, मतलब अगर H plus ion ज्यादा हो, जैसे ज्यादातर acidic solution में होता है, तो उनका pH है वह low हो। ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि ये डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, जो रिलेशनशिप है वह लॉगरिथमिक इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट इज पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाय एच प्लस आयन।
लॉगरिथमिक इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर 10 टाइम्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो सिर्फ 1 यूनिट का फर्क आएगा, क्योंकि लॉग ऑफ 10 1 होता है। 100 टाइम कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो सिर्फ 2 यूनिट से पीएच चेंज होगा, क्योंकि लॉग ऑफ 100 2 होता है। 1000 टाइम्स अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आए तो पीएच यूनिट में सिर्फ 3 का चेंज आएगा, क्योंकि लॉग ऑफ 1000 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है। तो इनवर्स तो है, एच एन जैसे बढ़ेगा पीएच वैसे वैसे कम होता जाएगा, पर एच एन अगर 10 टाइम्स बढ़ेगा तो पीएच 1 यूनिट कम होगा, एच एन अगर 100 टाइम्स बढ़ेगा तो पीएच सिर्फ 2 यूनिट से कम होगा, और एच एन अगर 1000 टाइम बढ़ेगा तो पीएच सिर्फ 3 यूनिट से कम होगा। सो इनवर्स रिलेशनशिप तो है प्रचकता, बट ये लॉगरिथमिक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ओम शंकर, वेरी गुड। इसे हम पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर सामर्थ्य H प्लस आयन का सामर्थ्य कितनी, उनकी काबिलियत कितनी है, H प्लस आयन का पोटेंशियल कहें, हाइड्रोनियम आयन का पोटेंशियल कहें। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, लॉग आपको क्योंकि सॉल्व करना था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस, क्योंकि जब कभी भी डिविजन वाली वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है तो वहां पर माइनस साइन आ जाता है, लॉग ऑफ H प्लस आयन, और log of 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। सो हमारे पास हो गया pH इक्वल टू 0 माइनस log of H प्लस आयन कंसंट्रेशन, 0 का कोई मतलब नहीं हो गया, इसलिए pH का फॉर्मूला क्या हो गया, pH इज नेगेटिव log of, और ये log टू द बेस 10 की बात करें, नेगेटिव log of H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ओके, सो pH का फॉर्मूला क्या हुआ, pH का फॉर्मूला हुआ माइनस log of H प्लस आयन। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं लाइव अटेंड कर पा रहा है, बाद में अटेंड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रियंका, बस आप कमेंट में अपना डाउट डाल दें, कोशिश करेंगे हम कि मैक्सिमम का जवाब दें। ठीक है, ये सूत्रदास माइनस, तो पीएच का फॉर्मूला क्या आया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। तो इस फॉर्मूले में कई सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन इस फॉर्मूले में बताता है कि रिलेशनशिप कैसी है, इनवर्स है। दूसरी, इस फॉर्मूले से हमें यह समझ में आता है कि पीएच कैलकुलेट करना है तो हमें एसिड की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, अगर पीएच कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी कंसंट्रेशन से मतलब है, H प्लस आयन। फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच यू नीड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में किस पे होनी चाहिए, इट शुड बी इन अ मोलार। सो पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें एसिड की कंसंट्रेशन की बजाय फोकस कहां पर करना है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये लॉग कौन सा है, नेचुरल लॉग नहीं है, ये लॉग टू द बेस 10 है। ठीक है, तो पीएच का सिंपल सा फॉर्मूला हुआ, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, अब पीएच स्केल के बारे में आप सब जानते हैं कि जो पीएच स्केल है वह 0 से लेकर 14 तक रेंज करती है एक्वस सॉल्यूशंस में, यानी वाटर में एसिड ऐड करो, वाटर में बेस ऐड करो, तो वाटर का पीएच कहां से कहां तक रेंज कर सकता है, 0 से 14 तक, और हम ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। सो पीएच 7 हो तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ओके, और 7 से लोअर कंडीशंस को हम एसिडी कहेंगे, 7 से हायर है वह अल्कलाइन कहेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, रिप्रेजेंट किया है जो एसिडिक होते हैं, जैसे बैटरी का पीएच लगभग, जो पेंसिल सेल है, नॉर्मल बैटरी हम यूज करते हैं, उनका पीएच बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, लगभग 1 से भी कम। एचसीएल जो स्टोमक में होता है उसका पीएच 1.1 से 1.5 के बीच में होता है। लेमन, अभी किसी ने पूछा, सिट्रिक एसिड होता है, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो उसका पीएच लगभग 2 के आसपास है। विनेगर जो हम यूज करते हैं सिर का, पीएच 3 के आसपास। टोमेटो जूस का पीएच 4 के आसपास। कॉफी का पीएच 5 के आसपास। मिल्क जो हम यूज करते हैं उसका पीएच 6 के आसपास। और वाटर जो रूटीनली हम यूज करते हैं उसका पीएच 7 के आसपास होता है। द पीएच ऑफ ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, आप देखेंगे तो 7.4 के आसपास आएगा। बेकिंग सोडा का पीएच लगभग 8.5 से 9 के बीच में होता है। कई सारी टैबलेट्स जो हम यूज करते हैं चाहे सिर दुखने के लिए, एंटीबायोटिक्स, उनकी पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होती है। अमोनिया सॉल्यूशन और ज्यादा अल्कलाइन, सोप अल्कलिटी और ज्यादा हो सकती है। ब्लीचिंग का पीएच 13 के आसपास हो सकता है। ड्रेन क्लीनर जो स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स हैं उनका पीएच और भी ज्यादा हो सकता है। ओके,
आलिया लॉग 10 कहीं से आया नहीं है, ये फॉर्मूला है कि लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है, और कौन सी लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है, तो नेचुरल लॉगरिथमिक रिलेशनशिप नहीं है, लॉग टू द बेस 10 है। लॉग ऐसे लिखने का मतलब ही होता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग इज लॉग टू द बेस 10। सो आप लॉग 10 नहीं भी लिखे हैं तो ये वेल अंडरस्टूड है कि लॉग का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल, वी आर नॉट टॉकिंग नेचुरल लॉग, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉग टू द बेस 10। ओके अंजलि गूगल करो, अभी पता चल जाएगा एक्वारिजिया का पीएच क्या है। मैं गूगल थोड़ी हूं बेटा। आगे बात करते हैं। अब हमने कहा कि पीएच स्केल है वह 0 से 14 के बीच में रेंज करता है बेसिक, और वह भी कब, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वस सॉल्यूशन मींस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों 0 से 14 के बीच में क्यों? शिक्षा क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स से पीएच प्लांट फिजियोलॉजी में बताएंगे ना आपको, 8.5 के आसपास होता है। लाइसोम का पीएच भी ऐसे 4.5 कह दोगे, एंडोसोम का भी पूछ लोगे। ऐसे तो अब कहां कहां का सबका तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना बेटा शिक्षा। ओके द प्रोडक्ट, सो हम बात कर रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड ओएच आयन। रूम टेम्परेचर पर भी वाटर कुड डिसोशिएट इनटू एच प्लस आयन एंड ओ एच आयन। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बात करें तो द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन अ वाटर इज 10^-7 मोलार, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन इज 10^-7 मोलार। यानी आयनिक प्रोडक्ट जिसे के डब्ल्यू कहते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस आयन एंड OH आयन। आयनिक प्रोडक्ट कितना आएगा 10^-7 इनटू 10^-7, दैट विल कम आउट टू बी 10^-14। और जो वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उससे जो डिसोशिएट होने वाले H प्लस आयन है उससे आप पीएच कैलकुलेट करोगे, क्योंकि H प्लस आयन कितना है 10^-7, उससे पीएच कैलकुलेट करोगे तो माइनस लॉग ऑफ 10^-7 आप इसको सॉल्व करोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगी -7, और -7 से पीएच आएगा 7। इस तरीके से अगर पीओएच भी कैलकुलेट करोगे तो पीओएच भी क्या होगा माइनस लॉग ऑफ ओएच एंड कंसेंट्रेशन, दैट विल आल्सो कम आउट टू बी 7। सो एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई एसिड या बेस एड नहीं किया तो क्या एक्सपेक्टेड है कि उसका पीएच भी 7 होगा और पीओएच भी 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज 10^-7 एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन माइनस इज ऑल्सो 10^-7। तो चाहे पीएच को कैलकुलेट करें चाहे ओएच को कैलकुलेट करें, और इसीलिए हम कहते हैं पीएच प्लस पीओएच कितना होगा 7+7, दैट विल कम आउट टू 14। बट ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, ये हम सब जो बातें कर रहे हैं दैट इज अंडरस्टैंड कंडीशंस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और बात भी अगर आप थोड़ा सा याद रख सकें तो वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 मोलार होती है, या मोर एक्यूरेटली 55.56 होता है, पर हम रफली इसको 55.6 मोलार लिखा। 55.6 मोलार में से 1 मोलार भी डिसोशिएट नहीं होता, 0.1 मोलार भी डिसोशिएट नहीं होता, 0.01 मोलार भी डिसोशिएट नहीं हो रहा है। कितना डिसोशिएट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इतना मोलार, यानी वाटर बहुत कम डिसोशिएट होता है एट पीएच 7। द अमाउंट ऑफ एच आयन इन अ वाटर इज नेग्लिजिबल, इट इज ओनली 10^-7 मोलार। द कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच आयन इज आल्सो नेग्लिजिबल, दैट इज आल्सो 10^-7। सो एट रूम टेम्परेचर यू विल से दैट पीएच वुड बी 7, पीओएच वुड बी 7। अब इसी वाटर में अगर आप एसिड को एड करोगे तो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और OH आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो पीएच 7 से कम हो जाएगा। इसी वाटर में अगर बेस ऐड करोगे तो OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और H आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, सो पीएच विल इंक्रीज एंड पीओएच विल डिक्रीज। और ये वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी 0 से 14 के बीच में, यानी प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे वाटर के या तो H प्लस आयन कंज्यूम ना हो जाए या सारे वाटर के जब तक OH आयन कंज्यूम ना हो जाए। ओके, यहां तक बात समझ में आई कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट से मतलब क्या है, कि वाटर से जो बनने वाले आयन्स, और वाटर से दो तरीके के आयन्स बनते हैं H प्लस आयन और OH आयन्स। रूम टेम्परेचर पर
एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 10^-7 मोलार, OH आयन की कंसेंट्रेशन है 10^-7 मोलार। एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन से पीएच निकालें तो 7 आएगी, OH आयन की कंसेंट्रेशन से पीओएच निकालें तो वह भी 7 आएगी, और पीएच प्लस पीओएच का सम टोटल करें तो यह भी 14 आएगी। और एक्वस सॉल्यूशंस का पीएच 0 से 14 के बीच में रेंज करता है। अंजलि अभी कहां फॉस्फोरिक एसिड पर पहुंच रहे हो बेटा? देखो हमारी मर्जी से वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, चाहे वो 3-HIN दे या 4-HIN दे, इससे मतलब नहीं है। वर्क जल्दी दे या मुश्किल से दे, जिसके पास खूब ज्यादा H प्लस आयन है, खूब ज्यादा पैसे हैं, पर लठ मारने पर ही वो पैसे घर से बाहर निकाल कर दे तो उसको कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहा जाएगा, उसे वीक एसिड कहा जाएगा। सिर्फ पैसा होना सफिशिएंट नहीं है इस बात से कि वो कितनी आसानी से अपना पैसा लुटा देता है, जो आसानी से देता है उसे वीक एसिड कहेंगे। ज्यादा है उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे वो मोनोप्रोटोनिक है, डाइप्रोटोनिक है, ट्राइप्रोटोनिक, उससे हमें मतलब नहीं है। हाउ इजिली इट गिव्स इट्स एच प्लस आयन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, के से उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है अविनाश, तो अब तक हमने बात पढ़ी कि 0 से 14 के बीच में रेंज करता है, क्योंकि इस वाटर में या तो आप एसिड ऐड करोगे या बेस ऐड करोगे, जिसकी वजह से एच एन की कंसेंट्रेशन में चेंजेस आएगा या ओ एच एन की कंसेंट्रेशन में चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से पीएच या पीओएच चेंज होगा। चलो अब जैसे मैंने कहा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज के डब्ल्यू इज 10^-14 एट 25°C, अप्रोक्सीमेटली 10^-14, पर हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। यस नहीं देखो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करते जाओगे, टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होगा। वाटर का डिसोसिएशन अगर ज्यादा होगा तो H प्लस आयन भी ज्यादा होंगे और OH आयन भी ज्यादा मिलेंगे, और H आयन अगर ज्यादा मिलेंगे तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू है वह कम होती जाएगी। OH आयन की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, इसका मतलब POH की वैल्यू भी कम होती जाएगी, क्योंकि H आयन और पीएच में इनवर्स रिलेशनशिप है, OH आयन और पीओएच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब पीएच प्लस पीओएच हमेशा 14 हो कोई जरूरी नहीं, धीरे धीरे ये 14 से डिक्रीज होना भी शुरू हो सकते हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 0°C पर आप देखेंगे आयनिक प्रोडक्ट कम है, 10° पर आयनिक प्रोडक्ट 0.1 से बढ़कर 0.2 हो गया, 20° पर आयनिक प्रोडक्ट पॉइंट, क्योंकि पीछे 10^-14 तो कॉमन है, 0.6 हो गया, 25°C पर ही ये 1 × 10^-14 होता है, जिसमें से पीएच निकालेंगे तो 7 आएगा, पीओएच भी निकालेंगे तो 7 आएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को 30°C, 40°C, 50°C, 100°C करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि के डब्ल्यू यानी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और आयनिक प्रोडक्ट क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि H प्लस आयन भी बढ़ रहा होगा और OH प्लस आयन भी बढ़ रहा होगा। अगर H प्लस आयन बढ़ रहा है तो pH की वैल्यू है वह 7 से कम होती जाएगी, pH की वैल्यू भी 7 से कम होगी तो POH की वैल्यू भी 7 से कम होगी। ये बात है, वाटर कहलाएगा तो न्यूट्रल, क्योंकि pH और POH बराबर है, लेकिन pH प्लस POH का सम कभी 14 नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आई नेहा, सुप्रिया, खुशबू, पवन, समझ में आ रही है बात? उत्तरा, समझ में आ रही है? ऋतुपर्णा, समझ में आया बेटा? रीना, देव, सब कहां हो? सबको समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ें कि अब तक हमने ये पढ़ा है कि H प्लस आयन, OH प्लस आयन, इन दोनों का सम टोटल मिलकर 10^-14 कब होता है? 25° पर इनका सम इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। एज यू इंक्रीज द डिसोसिएशन, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द डिसोसिएशन विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ रही है सबको? ओके विकास, ठीक है पूनम, ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी गुड मनीषा। चलो आगे बात करते हैं,
समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। नाउ अ क्वेश्चन टू यू कि कभी आपने देखा होगा, सभी ने लैब में बीए एमएससी में कई बार प्रैक्टिकल किया होगा, प्रैक्टिकल करते वक्त आपने देखा होगा कि अगर हमने पीएच मीटर के नीचे, ये सपोज इलेक्ट्रोड है पीएच मीटर का, और हमने एक बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर रख रखा है, इसमें डिस्टिल वाटर है, पीएच मीटर कभी भी रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली 7 नहीं बता रहा है, वो पीएच में रीडिंग है वो सपोज 6.92 बता रहा है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट वी आर हैविंग इज, लेट्स से डबल डिस्टिल्ड वाटर है, डबल डिस्टिल्ड वाटर यहां हमने रख रखा है, और डबल डिस्टिल्ड वाटर होने के बावजूद भी उस बीकर का पीएच, यहां पर डबल डिस्टिल्ड वाटर है, इलेक्ट्रोड्स हमने लगा रखी है, पर पीएच मीटर अपनी रिकॉर्डिंग कुछ अलग ही बता रहा है, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल निलेश, कोई भी सॉल्यूशन हो जिससे H प्लस आयन या OH आयन मिलते हो, उसका उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पर pH पर इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं खालिद, हमने बहुत पैसे खर्च करके बहुत अच्छा पीएच मीटर खरीदा है और हमने सारी वो सुविधाएं, सारी चीजें रखी, फैसिलिटीज रखी है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, स्टेबल करंट सप्लाई है, वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, आप इतना दिमाग मत लगाओ। इंस्ट्रूमेंट इज वेरी गुड, इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल, टेम्परेचर इज फिक्स। लैब कंडीशन में ऐसा थोड़ी होता है बेटा, रूम के अंदर ही टेम्परेचर कभी बढ़ गया कभी घट गया। ये बात तो देखा तो होगा ना आपने कि पीएच एग्जैक्टली 7 नहीं होता, तो डबल डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर का पीएच एक्सपेक्टेड है कि 7 होगा। द थिंग इज डियर स्टूडेंट्स, काम की बात यह है कि एनवायरमेंट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वह क्योंकि बीकर ओपन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर में मिक्स जरूर होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिक्स होगा तो वाटर के साथ जुड़ेगा तो H2CO3 बनेगा, और H2OCO3 अगर डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव यू अ H प्लस आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, और जो ये एक्स्ट्रा H प्लस आयन आए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इट विल मेक द वाटर स्लाइटली एसिडिक। यस मेगा, इजी माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिसॉल्व हो जाती है। यस साक्षी, वेरी गुड, इट्स नॉट अ एरर। जैसे जैसे पानी पूरा ना होता जाएगा उसकी पीएच और कम होती जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होता जाता है। नहीं दादा साहब, ऐसा नहीं होता कि पानी डिसोसिएट हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक बाद में लेट ज्वाइन किया है वह भी अपनी प्रेजेंस लगा दें लाइक करके, ओके, अभी हम बहुत आगे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। आदित्य, उसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा, बफर पढ़ना पड़ेगा, एसिड बफर की काम नहीं करता, बफर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आदित्य, ठीक है। हाँ अंजलि, इसीलिए लेक का
पीएच भी स्लाइटली एसिडिक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि वाई पीएच ऑफ रेन वॉटर इज अराउंड 5.6, इसका क्या जवाब होगा? हाँ सौम्य, अगर बीकर क्लोज्ड हो और उसमें कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ना करने दिया जाए तो फिर पीएच 7 रहेगा। सौम्या बिल्कुल ठीक है, बेस का काम तो तब करेंगे ना, उससे पहले वो H प्लस आयन दे चुके होंगे। ओके अविनाश, तो अविनाश कुमार तो बिल्कुल साइंटिस्ट ही बन गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई पीएच ऑफ रेन वॉटर इज अराउंड 5.6, और वापस मैं बता दूं कि ये उस एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं है, ये एसिड रेन नहीं है चित्रा, ये एसिड रेन नहीं है। नॉर्मल रेन का पीएच 5.6 5.7 होता है, दिस इज नॉट एन एसिड रेन। यस आदर्श बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कभी बारिश होगी तब भी तो वो एटमॉस्फेयर के थ्रू ही आएगी, और एटमॉस्फेयर के थ्रू आने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स होगी तो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक हुआ। तो चाहे लेक का पीएच स्लाइटली एसिडिक क्यों है, रेन वॉटर का पीएच एसिडिक क्यों होता है, ओपन बीकर में पीएच स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है, इन सब का रीजन स्लाइटली एसिडिटी का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड इन नेचर। हां, अगर रेन वॉटर का पीएच 5 या 4 से भी नीचे हो जाए तो उसे हम एसिड रेन कहेंगे। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, चलो समझ में आ रहा है। बिल्कुल पूनम, बिल्कुल सही बात है। खुशबू वेरी गुड। विकास, सी वॉटर के बारे में हम सोचेंगे कि सी वॉटर के अंदर, क्योंकि सी वॉटर में खूब सारे आयंस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सी वॉटर में भी आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे तो उसका भी पीएच स्लाइटली डिक्लाइन होगा, पर अभी क्या है वो एक अलग बात है। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब हम बात कर रहे हैं पीएच मोनोप्रोटोनिक एसिड्स का कैसे निकालें। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच कंप्लीटली डिसोशिएट्स, और मोनोप्रोटोनिक, मोनोप्रोटोनिक का मतलब इसके पास सिर्फ एक एच प्लस आयन है। सो ऐसा कोई भी एसिड एच ए जो 100% डिसोशिएट होता हो इनटू एच प्लस आयन एंड ए माइनस आयन, जिसके पास एक ही प्रोटॉन लिबरेट करता हो जो एसिड, उसे मोनोप्रोटोनिक कहा जाएगा। एग्जाम्पल हो गया HCl। मोनोप्रोटोनिक एसिड के अंदर द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज इक्वलेंट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, और मोर अकॉर्डली स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम मोनोप्रोटोनिक एसिड के बारे में बात करें। प्रजक्ता, आप मंडे तक रुक जाएं तो शायद ये क्लियर हो जाएगा। एक बार बफर पढ़ेंगे तो आपका जो थोड़ा सा खिचड़ी पकड़ी है दिमाग के अंदर, वो सारी खिचड़ी शांत हो जाएगी। आप अपन अभी सिर्फ एसिड तक ध्यान रखें ना, एक बार बफर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी हम पीएच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अभी 5 मिनट में हम ये नहीं सोच सकते कि हमने पीएच और बफर और एसिड और बेस पर मास्टरी कर ली, एक दिन और लगेगा। ठीक है, सो जैसे HNO3 HF एटसेट्रा HI दीज आर मोनोप्रोटोनिक एसिड। दादा साहब एसिडिक एसिड मोनोप्रोटोनिक तो है पर वह स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ध्यान रखें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वीक एसिड्स। ओके चलो, सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर वो भी मोनोप्रोटोनिक हो तो जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है डायरेक्टली उससे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन मिल जाती है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलार HCl। इसको हम, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कितना मोलार है, तो इट इज 10^-3 मोलार HCl, इसका पीएच निकालें। पीएच के लिए हमें
एसिड की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, पीएच के लिए हमें एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, पर हमें पता है कि ये 100% डिसोसिएट होता है। तो 100% डिसोसिएट होने का मतलब इससे जो एच प्लस आयन और क्लोरीन आयन दोनों मिलेंगे, कंजुगेट बेस की वजह से पीएच अफेक्ट नहीं होगा, पीएच को अफेक्ट करने का काम करता है एच प्लस आयन। एच प्लस आयन कितने मिलेंगे, 10^-3 मोलार, और अगर आपके पास एच प्लस आयन आ गए तो अब उससे हम पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पीएच वुड बी इक्वलेंट टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, एंड एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10^-3 मोलार, सो माइनस लॉग ऑफ 10^-3। एंड डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 10^-3 इज -3, और -3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पीएच आ गया 3। तो ये बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो भी मोनोप्रोटोनिक हो तो जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। वेरी गुड बाला साहेब, कल्पना, विनय, आदर्श, मोनिका, अदिति, विकास, विश शर्मा, विकास सिंधे, हर्ष, वेरी गुड, सुषमा, आकांक्षा, जानवी, दिनेश, खालिद, वेरी गुड, दीपेंद्र सिंह गोयल, राजेश्वरी, प्रिया, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, अ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन विथ अ पीएच 4 डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स, व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका ओरिजिनल पीएच 4 है और उसको 100 टाइम डाइल्यूट किया, तो व्हाट वुड बी द पीएच। ओके रीना, इनोवेशन ग्रुप, गुड। कृष्णा, समझ आया बेटा। चलो अब इसको दिमाग लगाओ। डॉक्टर अरुण, ठीक, वेलकम वेलकम, हो रहे न्यूमेरिकल, डर तो नहीं लग रहा अब। पूनम, हमेशा लॉजिक शुड बी स्ट्रांग, एक बार सोचो कि अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, पहले अपने दिमाग से प्यार से क्वेश्चन पूछो। रूपम, सुप्रिया, अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछो कि एक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें मैं पानी डाल रहा हूं, डाइल्यूट कर रहा हूं, तो उसका पीएच बढ़ेगा या घटेगा। कृष्णा टोटवाड़े, सोचो। प्रीतम दे, सोचो। बाला साहेब काले, दिमाग लगाओ। कृष्णा, पीएच 4 का सॉल्यूशन है, उसमें आप पानी और डालोगे। नेहा, आकांक्षा, समझ रहे हो आप बात मेरी। सौम्या ने सही किया, चलो। सुचित्रा, पवन, प्रजक्ता, नेचर, अपने दिमाग से एक बार पूछो सही कि आप क्या जवाब दे रहे हो। एक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें हमने पानी डाल, तो पानी डालने पर पीएच घटेगा कैसे, घटने का तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बढ़ेगा ना, ठीक है। सो पहली बात तो हमने कहा था कि पीएच और एच प्लस आयन में इनवर्स रिलेशनशिप है और लॉगरिथमिक इनवर्स रिलेशनशिप है। 100 टाइम्स चेंज आया तो इसका मतलब 2 यूनिट का चेंज आएगा, और 2 यूनिट का चेंज आने का मतलब, 2 यूनिट का चेंज आने का मतलब अगर एच आयन की कंसंट्रेशन कम होगी डाइल्यूशन करने पर तो पीएच है वह इंक्रीज होगा और 2 यूनिट से चेंज होकर 4+2 हो जाएगा 6। ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका कि ओरिजिनली द सॉल्यूशन वाज ऑफ पीएच 4, पीएच अगर 4 का सॉल्यूशन था तो उसका मतलब उस पास एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10^-4 मोलार। ओके, ये कंसंट्रेशन थी, क्योंकि कंसंट्रेशन 10^-4 मोलार हो तो एच प्लस आयन है, वह पीएच अगर 4 हो तो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10^-4 है। सो अगर एच प्लस, दिस इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन C1, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, C1V1 इक्वल टू C2V2। ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी 10^-4, उसमें से आपने 1 ml लिया,
कंसंट्रेशन टू कितनी हमें निकालनी है, 100 टाइम्स उसको डाइल्यूट किया, 100 टाइम डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 ml लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन में से 99 ml उसमें वाटर ऐड कर दो, अब ये 100 टाइम डाइल्यूशन हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10^-4 डिवाइड बाय 100, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 10^-6 मोलार। तो डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कितनी आई, 10^-6 मोलार। और अगर ये कंसंट्रेशन 10^-6 मोलार है तो pH क्या होगा, तो pH वुड बी माइनस लॉग ऑफ 10^-6, दैट वुड बी इक्वलेंट टू माइनस, सब होकर आंसर आ गया 6। समझ में आया? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल से पहले दिमाग में एक बार सोचें कि क्या पूछा गया है और लॉजिकली होना क्या चाहिए, वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ जाएं। ऋतुपर्णा, एसिड में पानी डालने पर एसिड अगर डाइल्यूट होगा तो उसका पीएच बेटा घटेगा क्यों, पीएच तो बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होता है, डाइल्यूट एसिड का पीएच बढ़ेगा। ओके वेगा, सुप्रिया, विकास, वेरी गुड, सुचेता। चलो आगे बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं पीएच ऑफ मल्टी प्रोटोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हमारे पास कोई H2SO4 है जिसमें दो प्रोटोन है, तो इस केस के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विल नॉट बी सेम, क्योंकि एक H2SO4 डिसोशिएट होने पर 2H प्लस आयन देगा प्लस 1 सल्फेट आयन देगा। यानी अगर इसकी कंसंट्रेशन, लेट से समझने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, लेट से इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलार है, तुम्हारे पास 0.2 मोलार H प्लस आयन मिलेंगे और 0.1 मोलार सल्फेट आयन मिलेंगे। समझ में आई ये बात कि अगर कोई एसिड मल्टी प्रोटोनिक है तो इट विल यील्ड मोर नंबर ऑफ एच प्लस आयन, और पीएच एसिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, पीएच किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो कोई मल्टी प्रोटोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड को 100% डिसोशिएट करो और उससे बनने वाले एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है पहले वह डिराइव करो, और अगर आपके पास एक बार H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो अब आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज पहली बार आज की क्लास में 500 मार्क को आपने रीच किया भी, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इंफॉर्मेशन, और जो भी लेट आए वह जरूर लाइक करें, अटेंडेंस दें। मल्टी प्रोटोनिक एसिड के अंदर जो एसिड की स्ट्रेंथ है उसका डिसोशन कर पहले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को पता करें, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो उससे आप pH निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर दिमाग लगाएं, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलार H2SO4। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये Let's say it is, if it is a strong acid, हम मानकर चल रहे हैं। स्नेहल, अगर कोई एसिड मल्टी प्रोटोनिक है जैसे H2SO4 जिससे आपके पास H प्लस आयन डबल अमाउंट में निकल रहे हैं, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पहले पता करें और फिर उसको फॉर्मूले में प्लेस कर pH कैलकुलेट करें। ओके ऋतुपर्णा, बस बात समझ में आनी चाहिए, ऐसी गलती हमें एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। यहां पर गलतियां करें इट्स ओके फाइन, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर लर्निंग होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, तो देन इट्स गुड। वीना ने कहा फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। दिनेश ने सेकंड का, साक्षी ने भी सेकंड का, आकाश ने फोर्थ का, देवेश ने फोर्थ का, मनीष ने सेकंड का। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर जो भी आंसर टू दे रहे हो तो
जो भी आंसर टू दे रहे हो वो समझ नहीं रहे हो कि मैंने क्या कहा है। बहुत कम लोगों ने अब तक सही जवाब दिया है। हाँ, शंकर घोष, गुड। सपोज 0.1 मोलार एचसीएल होता तो पीएच क्या होता? चलो ये बता दो, पहले इसको सॉल्व कर लो, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी शायद। इसको सॉल्व करो माला शर्मा, पहले इसको सॉल्व करो, 0.1 मोलार एचसीएल का पीएच। तो आप आंसर निकालेंगे कि इसका पीएच 0.1 मोलार का मतलब, -1। अब 0.1 मोलार एचसीएल पीएच को ज्यादा अफेक्ट करेगा कि 0.1 मोलार H2SO4 पीएच को ज्यादा अफेक्ट करेगा, ये सोचो। एचसीएल ज्यादा एच आयन देगा 0.1 मोलार, या H2SO4 0.1 मोलार H प्लस आयन ज्यादा देगा? तो अब सब कहेंगे सर H2SO4 ही देगा, क्योंकि उसमें तो दो एच आयन है। अगर H2SO4 ज्यादा H प्लस आयन देगा HCl से, तो पीएच तो 1 से भी कम होना चाहिए। हाँ, अब देखो सबने 1 कह दिया, HCl का पीएच सबने 1 कह दिया, ठीक है। तो फिर H2SO4 का पीएच तो 1 से भी कम होना चाहिए ना, क्योंकि H2SO4 इज गिविंग एन H प्लस आयन इवन इन मोर अमाउंट एज कंपेयर टू HCl। HCl का 1 तो सबने बता दिया, तो वही कंसंट्रेशन H2SO4 की है, तो H2SO4 से तो एच एन ज्यादा मिलेंगे। आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, हुआ क्या? देखो गड़बड़ शायद आप कहीं ना कहीं पर आपसे हुई है। 0.1 मोलार H2SO4 है, ये डिसोशिएट होगा तो आपके पास 0.2 मोलार एच प्लस आयन देगा। ओके, प्लस इट विल गिव यू अ 0.1 मोलार सल्फेट आयन। हालांकि अभी हमें सल्फेट आयन से कोई मतलब नहीं, हमें यहां पर किससे मतलब है? 0.2 मोलार एच प्लस आयन से, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पीएच इज इक्वल टू, पीएच का फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.2, 0.2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 could also be referred to as 2 into 10 raised to minus 1. 2 into 10 raised to minus 1 could also be referred to as minus log of 2 plus log of 10 raised to minus 1. log of 2 आपको याद होना चाहिए 0.3 होता है, log of 10 raised to minus minus 1 होता है, minus minus 0.7। फाइनली पीएच क्या आया डियर स्टूडेंट्स? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो पीएच आया 0.7। लॉजिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते ना, सोचे तो सही कि एच एन अगर ज्यादा मिलेंगे तो पीएच में क्या चेंज आएगा? पीएच तो अब 1 से भी कम होगा ना, तो 2 हो नहीं सकता, 1.3 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, कंसंट्रेशन 1 से कम होना चाहिए, और 1 से कम तो पीछे एक ही ऑप्शन बचा है। दैट इज 0.7। गुड पूजा तोपान, वेरी गुड प्रजक्ता, समझ में आया? यस वीना, आपने तो मैंने पहले भी बोला था आप सही हैं। थैंक यू आदर्श। कोई बात ही नहीं है, चलो आगे बात करते हैं। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सो व्हाट आर बेस? तो बेस व्हिच produces OH ion,
इन अदर वर्ड्स विच एक्सेप्ट एच प्लस आयन, क्योंकि जो भी ओ एच आयन लिबरेट होंगे वह एच प्लस आयन के साथ इंटरेक्ट कर वॉटर बनाएंगे। तो कोई चीज, कोई भी बेस, बेसिकली अगर वह ओ एच आयन दे रहा है, इसका मतलब वो किसको यूटिलाइज कर रहा है? एच प्लस आयन को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस विच 100% डिसोशिएट्स। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन विल गिव यू द पीओएच। एंड थर्ड स्टेप वुड बी दैट पीएच वुड बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। और पीओएच का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्ट्रॉन्ग बेस से पहले हमारे पास ओएच आयन की कंसंट्रेशन आएगी, ओएच आयन की कंसंट्रेशन को फॉर्मूले में रखकर पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन पीओएच निकाल लेंगे। और हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच एट रूम टेम्परेचर इज 14। सो दूसरा कंसेप्ट क्या है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। और अगर आपके पास पीओएच एक बार निकल कर आ गया तो फिर आप पीएच भी निकाल सकते हैं। चित्रा क्लास देखो, जब तक सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं तब तक क्लास रहती है, जब ऐसा लगता है कि अब वापस स्टूडेंट्स भागने लग गए हैं तो हम क्लास बंद कर देते हैं। समझ में आया स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालते हैं? पहले पीओएच निकालेंगे और पीओएच निकालने के बाद पीएच, बेस के अंदर सीधा पीएच नहीं आएगा, फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर पीओएच एंड आफ्टर पीओएच यू हैव टू गो कैलकुलेट द पीएच। ये समझ में आया? तो चलो इस पे दिमाग लगाओ, ट्राई दिस, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलार केओएच। और ये तो पता ही होगा कि केओएच एक बेस है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सुप्रिया क्या बताऊं बेटा, बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सुप्रिया, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना है तो पहले स्ट्रॉन्ग बेस से ओएच आयन की कंसंट्रेशन को पता कर लें, ओएच आयन की कंसंट्रेशन को फॉर्मूले में अप्लाई करें, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन पीओएच आ जाएगा। और पीएच प्लस पीओएच क्योंकि 14 होते हैं इसलिए जो पीओएच आया उसको 14 में से माइनस करेंगे, आपके पास पीएच आ जाएगा। कोई बात नहीं स्वयं सिद्धा, आप बाद में देख सकते हैं। वेरी गुड देव मिश्रा, देवव्रत शुक्ला, वेरी गुड पंकज। एक बार सोचो कि क्या बेस का पीएच 7 से कम हो सकता है? जो, अच्छा आपने फोर्थ आंसर दिया, जो 1 और 6.98 दे रहे हैं वो तो एकदम गलत है। बेस का पीएच 7 से कम नहीं हो सकता। हाँ, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन इज 0.1 मोलार, इससे आपके पास आ गया पीओएच, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। इसको हमने यहां पर प्लेस किया, लॉग ऑफ 0.1 को आप 10^-1 भी लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू 10^-1 का लॉग होता है -1, फाइनली आपके पास पीओएच निकलकर आया 1। और क्योंकि मैंने कहा ये पहला पार्ट, दूसरा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 और pH would be equivalent to 14 minus POH, 14 minus 1, that is 13. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही किया, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। ध्यान रखें अगर एसिड का pH आप 7 से ज्यादा निकाल रहे हैं तो टेक्निकली कुछ गलती कर रहे हैं,
बेस का पीएच अगर आप 7 से कम निकाल रहे हैं तो टेक्निकली कुछ गलती कर रहे हैं, बेस का पीएच कभी भी 7 से कम नहीं होगा और एसिड का पीएच है वो कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड अभिलाषा, पंकज वेरी गुड, कमलकांत वेरी गुड, कोई बात नहीं चांदनी बेटा, सोपान वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, हाँ बिल्कुल लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते थे, वेरी गुड शाबाश। चलो आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर अपना दिमाग लगाएं कि 0.1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन है तो उसमें OHN कंसंट्रेशन कितनी होगी। अगर OHN की कंसंट्रेशन दे रखी तो उसे आप POH निकाल सकते हो, तो POH दे रखी है उससे आप OHN की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। प्रीति अब लॉग थोड़ा सा बेसिक्स बेटा पढ़ो कहीं से, क्योंकि लॉग के ऊपर तो नहीं तो उसी के ऊपर एक पूरी क्लास हो जाएगी। लॉग थोड़ा सा बेटा आप YouTube पर सर्च करना, कोई कोई आपको वीडियो मिल जाएगा कि सर्च करना कि हाउ टू कैलकुलेट द लॉग विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेशन, यू विल गेट समथिंग। क्योंकि लॉग थोड़ा बहुत आपको आना जरूरी है ना, तो फिर आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट्स, इस पर दिमाग लगाएं। वेरी गुड प्रीतम, वेरी गुड माधव, जय माथुर, नेहा मेदी, वेरी गुड वेरी गुड। यशी शायद मत लगाओ, कॉन्फिडेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अब भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम मिलकर पढ़ रहे हैं, अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, यू शुड बी श्योर यहां यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो 0.1 नॉर्मल HCl है तो इससे पीएच निकाल सकते हो आप, पीएच कितना निकल कर आएगा 1। पीएच अगर 1 है तो फिर इसका मतलब पीओएच निकल कर कितना आया 13, और अगर पीओएच 13 है तो OHN की कंसंट्रेशन कितनी है, तो OHN की कंसंट्रेशन 10^-13 हो गया, तो आंसर सीधा हो गया स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। या आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.1 नॉर्मल HCl है मतलब 10^-1 मोलार H प्लस आयन है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन इंटू OH आयन, अभी हमने आयनिक प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, दैट विल कम आउट, दैट विल बी 10^-14, जिसमें ये 10^-1 है, तो पीछे आपका 10^-, OH आयन की कंसंट्रेशन को आपको निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते थे, 10^-1 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, OHN की कंसंट्रेशन को आप X मान लें, इक्वल टू 10^-14, और X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10^-14 डिवाइड बाय 10^-1, दैट विल कम आउट टू बी 10^-13। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते थे। दो तरीके हैं इसको निकालने के, पीएच निकाल लें उससे पीओएच निकाल लें, पीओएच से OHN निकाल लें, या दूसरा तरीका कि आपके पास कंसंट्रेशन जो एसिड की दे रखी है वो H प्लस आयन की है, और हमें स्टार्टिंग में भी पढ़ा था H प्लस आयन और OH प्लस आयन उन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पर 10^-14 होता है, उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट वेज। उत्तरादास अभी तो शुरुआत हुई है, देखो सब बायोकेमिस्ट्री का भूत डर कर भाग जाएगा, बस आप ईमानदारी से जुड़े रहो, ट्रस्ट मी हैव पेशेंस, टाइम लगेगा, ये बात सही है, एक दिन में नहीं सब समझा जाता, पर सोचो, कॉपी लो, पेन लो, उस पर लिखो, सब समझ में आएगा। वर्दा अखलाक, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आप इससे पहले पीएच निकाल लें, 0.1 नॉर्मल HCl का पीएच 1 होगा, पीएच अगर 1 है तो पीओएच 13 होगा, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच 14 होते हैं, 13 का एंटी लॉग करने पर आपके पास
OHN की कंसंट्रेशन 10^-13 आ गई। दूसरा तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि H प्लस आयन और OH प्लस आयन का प्रोडक्ट है वह 10^-14 होता है। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10^-1 दे रखी है, 10^-14 दोनों का प्रोडक्ट होता है। यहां पर एक्स रख लें, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 10^-14 डिवाइड बाई 10^-1 इक्वल टू 10^-13। ये दो तरीके हैं। हाँ देवरा, अभी तो शुरू हुई है बायोकेमिस्ट्री, अभी तो हम बायोकेमिस्ट्री का मतलब टिप है आइसबर्ग का। हाँ HCl के लिए वेरी गुड, नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम होती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। शंकर घोष, बफर इसके बाद वाला टॉपिक, पहले हम पीएच के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद बफर पर जाएंगे, सीधा बफर पर नहीं भाग सकते, अभी तो हमारे बच्चों को लॉग में ही प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे भागे आगे। जिनको भी लॉग में प्रॉब्लम आ रही है डियर स्टूडेंट्स, वो यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियो जरूर देखें किसी ना किसी का, क्योंकि बफर में नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। और लॉग बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा बफर से पहले लॉग निकालना, पर उससे पहले आप अपने लेवल पर भी लॉग को तैयार करें। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन सॉल्यूशन कैसा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट। यानी इस तरीके का कोई सॉल्यूशन 10^-7 मोलार HCl, 10^-8 मोलार HCl या 10^-9 मोलार HCl, इतने ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस। यानी कहने का मतलब इस तरह के सॉल्यूशन हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना कम कंसंट्रेशन मोलार कंसंट्रेशन में H प्लस आयन, और वहां पर आप सीधा पीएच निकालेंगे तो 7, 8 या 9 आएंगे, जो कि गलत है। जब कभी भी बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जैसे पूरा पॉन्ड हो और उसमें 2 ड्रॉप आपने एसिड की ऐड कर दी हो, तो ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इन कंडीशंस में हमेशा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी लॉजिकली किसी भी एसिड का पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल करने पर एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा आता है तो आपको उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जो 7 से स्लाइटली लेस है। मामू, लॉग की वैल्यूज 1 से 10 तक याद रखनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रिक क्या है बेटा, लॉग 1 की वैल्यू है याद रखनी पड़ेगी, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, रफ वैल्यू याद रखने की लॉग 3 की वैल्यू 0.47 होती है, लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है, लॉग 5 की वैल्यू 0.69 के आसपास या 0.7 भी कह सकते हैं, लॉग 6 की वैल्यू 0.77 होती है, लॉग 7 की वैल्यू 0.84 होती है, लॉग 8 की वैल्यू 0.9 होती है, log 9 की वैल्यू 0.95 होती है, और log 10 की वैल्यू बस 1 होती है। इतनी सी वैल्यू तो आपको याद रखनी है क्या? और बाकी ये तो याद ही होगा, log 10^1 की वैल्यू 1 होती है, log ऑफ 10^2 की वैल्यू 2 होती है, log ऑफ 10^3 की वैल्यू 3 होती है, ऐसे ही log ऑफ 10^-1 की वैल्यू -1 होती है, log ऑफ 10^-2 की वैल्यू -2 होती है, log ऑफ 10^-3 की वैल्यू -3 होती है, एंड सो ऑन। बस इतनी सी चीजें तो याद रखनी है, इतनी सी चीजें याद रखोगे तो सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो हम ये बात कर रहे थे, जब हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो उस दौरान हो सकता है फॉर्मूले में एसिड की कंसंट्रेशन से जो H प्लस आयन आया है उसको आप फॉर्मूले प्लेस करो तो पीएच 7 से ज्यादा आ सकता है। पर ध्यान रखें, ऐसा जब कभी भी हो तो एसिड का पीएच 7 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसका मतलब लॉजिकली कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि जब इतनी ज्यादा डाइल्यूट जो सॉल्यूशंस हैं
उनको कंसिडर कर रहे हैं, तो उस दौरान जो वॉटर में एच प्लस आयन है 10^-7 दैट बिकम इफेक्टिव। उस कंडीशन में टोटल एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन वुड बी एच प्लस आयन ड्यू टू एसिड प्लस एच प्लस आयन प्रेजेंट इन वॉटर। और ये जो टोटल एच प्लस आयन है, जो एच प्लस आयन टोटल है, इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा पीएच निकालने के लिए। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, है ना। जब किसी एसिड से 10^-1 यानी 0.1 एच प्लस आयन मिल रहे हैं, तो आप 0.000001 वाटर वाले नेगलेक्ट कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वाटर में एच प्लस आयन है उतने ही एच प्लस आयन एसिड दे रहा है या उससे भी कम एच प्लस आयन एसिड दे रहा है, तो फिर आप वाटर में जो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन है उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको भी कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। एंड टोटल एच प्लस आयन को एड कर जो टोटल एच प्लस आयन है उससे फिर पीएच कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि जब कभी पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो इट वुड बी स्लाइट, आंसर वुड बी स्लाइटली लेस देन 7। बिना न्यूमेरिकल के आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल करने पर, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने पर पीएच 7 से ज्यादा आता है किसी एसिड का, तो फिर आपको उस आंसर को चूज करना चाहिए जो 7 से थोड़ा सा कम है। बेस के लिए उल्टा हो जाएगा कि कोई बहुत ज्यादा डाइल्यूट बेस है उसका पीएच 7 से कम आता हो, जो पॉसिबल नहीं है। बेस का पीएच 7 से कम नहीं हो सकता, इसलिए आपको उस आंसर को चूज करना चाहिए जो 7 से थोड़ा सा ज्यादा हो। आगे बात करते हैं, चलो अगर बात समझ में आई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10^-8 मोलार एचसीएल। एचसीएल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इस पर दिमाग लगाएं। अगर दो ऑप्शन में 7 से कम हो तो उस ऑप्शन को चूज करें जो 7 के जस्ट नजदीक हो, नहीं तो कैलकुलेशन तो है ही। और हमारे बायोलॉजी के दिल के साथ इतना कोई नहीं खेलता, वो बहुत हमारे लॉजिक्स चेक करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का कोई एग्जाम हो, सीएसआर का एग्जाम हो, डीबीटी का एग्जाम हो, तो वह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑप्शन देते हैं ताकि लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड देवरत, पंकज वेरी गुड, इरफान वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया ना। देखो अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप डायरेक्ट जो हमारे पास ये वैल्यू है इससे आप पीएच निकालें, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन को यहां पर रखें, और आपके पास वैल्यू आती है 10^-8। वैल्यू ऑफ दिस 10^-8 कितना आएगा, -8। -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 8, और इस तरीके का पीएच 8 आते ही दिमाग में बड़ा सा आना चाहिए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि एसिड का पीएच, एसिड पीएच हाउ इट कुड बी 7, सॉरी हाउ इट कुड बी ग्रेटर देन 7। ऐसी कंडीशन में आपको उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जो 7 हो नहीं सकता, 7 से ज्यादा हो नहीं सकता, 7 से ज्यादा हो नहीं सकता, पीछे एक ही आंसर। अगर एसिड नहीं भी ऐड करते तब 7 था, तो एसिड ऐड करने पर 7 से थोड़ा तो कम ही होगा, 7 से बढ़ने का सवाल है ही नहीं। दूसरा हमने कहा कि हालांकि कभी न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमेशा ऐसा ही आएगा, लेकिन इसको न्यूमेरिकली भी किया जा सकता है। कैसे, कि हमने कहा कि H प्लस आयन जो हमारे पास HCl से मिल रहे हैं वह कितने हैं, 10^-8। H प्लस आयन जो हमें वाटर से मिल रहे हैं वह इससे ज्यादा हैं, और वह कितने हैं, 10^-7। दोनों को ऐड करना है, ध्यान रखें दोनों को ऐड, आप ऐसा नहीं कर लेंगे 10^-8 और 10^-7 को ऐड किया और 10^-15 हो गया, नहीं। एडिशन आप तब कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो, तो दोनों की यूनिट को सेम कैसे कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
0.1 into 10 raised to minus 7, इसको क्योंकि 10 raised to minus 8, this is 1 could be represented as 1 into 10 raised to minus 7. अब दोनों की पावर अगर सेम है तो सिंपली एडिशन किया जा सकता है, और सिंपल एडिशन कितना आएगा, 1.1 into 10 raised to minus 7. So, अब आप pH निकाल सकते हैं, that pH would be equal to minus log of 1.1 into 10 raised to minus 7. pH would be log of 1.1 plus log of 10 raised to minus 7. pH would be equal to minus log of 1.1 की value दे रखी है आपके पास, sorry, that is given 0.04 minus 7. That would be equal to minus 6.96. Finally, you will get plus 6.96. Okay? इस तरीके से आप न्यूमेरिकली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. पर न्यूमेरिकली क्यों करें, हमारे बायोलॉजी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हमें लॉजिकली ही चेक करना होता है. हां चांदनी, ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, बिल्कुल था. यहां हम सभी तरीके के क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन एसिड से आ सकते हैं, हर तरीके का पैटर्न सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो बायोकेमिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोप्रोटोनिक की बात की, फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मल्टीप्रोटोनिक की बात की, फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. इरफान वापस चेक करें, सही आंसर ये है 6.96. अब वहां क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं, चलो आगे बात करते हैं. नाउ कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू माइनस 4 मोलर NOH. चलो इसको दिमाग लगाओ, आंसर बताओ, उसका दिमाग लगाओ. इसका आंसर कौन बताएगा? कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू माइनस 4 मोलर NaOH. मीनाक्षी, हमें लॉजिक्स को ही डेवलप करना है. देव मिश्रा ने इसका आंसर बताया 3, अदिति ने 3, ममता ने 3, अंजलि ने 10, सुबह ने 7.06, 3 ऑप्शन 3, 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
सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रेफर टू एज प्लेइंग विथ योर माइंड. हर बार 6.96 या 7.06 लिखा हुआ तो उन्हीं में से आंसर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. पहले नॉर्मली सॉल्व करके देखें. नॉर्मली सॉल्व करने पर, क्योंकि ये बेस है तो बेस से आपके पास पीओएच निकल कर आएगा. पीओएच निकल कर आएगा 4. पीओएच अगर 4 निकल कर आएगा तो पीएच कितना होगा? तो पीएच वुड बी 14 माइनस पीओएच. पीएच वुड बी 14 माइनस 4, दैट इज 10. एंड पीएच 10 फॉर अ बेस इज परफेक्टली ओके. तो आंसर ही निकल आया. एक्सेप्शनल दिमाग तो तब लगाना है जब बेस का पीएच 7 से कम आता, तो हम उस आंसर को चूज करते हैं जो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है. यहां पर जब बेस का पीएच 7 से पहले से ही ज्यादा आ रहा है तो हमें एक्सेप्शन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो आंसर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर इज 10, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट बेस नहीं है. ये 10^-4 मोलार है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है. बहुत ज्यादा डाइल्यूट का 10^-7, 10^-8 होता तब वहां तक जाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. रोही, अंजलि, मीनाक्षी, दीपेंद्र, वेरी गुड. हाँ देवराज, शर्तें हैं लागू है. क्वेश्चन को एक बार पहले देखें. हर जगह पर 6.96 या 7.04 देखा और वही आंसर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो ऋतु पन्ना ने कहा कि अब पीएच ऑफ वीक एसिड्स की बात करें, करते हैं हम. उससे पहले सिंपल सी एक और बात कर लेते हैं कि व्हेन यू ऐड अ टू एसिड्स टुगेदर और टू बेस टुगेदर और अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ध्यान रखें कि जब सपोज लेट्स से पीएच 2 और पीएच 4
का सॉल्यूशन बराबर अमाउंट में ऐड करें। तो एक बात तो ध्यान रखें कि 2+4/2 यानी 3 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पीएच नॉर्मल स्केल नहीं है, पीएच लॉगरिथमिक स्केल है। दो सॉल्यूशंस को ऐड करने पर एवरेज निकालकर आप इंटरमीडिएट पीएच नहीं निकाल सकते। तो जब कभी भी जब एसिड्स की बात करें तो एसिड्स के अंदर जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, दो एसिड, ये भी 2 का मतलब एसिड सॉल्यूशन है, 4 का मतलब भी एसिड सॉल्यूशन है, तो आंसर वुड बी, आंसर विल बी लेसर देन एवरेज एंड क्लोजर टू एसिडिक सॉल्यूशन। ये लॉजिकली मैं बात बता रहा हूं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स और बेस व्हेन दे आर एडेड इन अ इक्वल वॉल्यूम, तो उस समय क्या बात होगी। तो दो एसिड के सॉल्यूशंस हैं, उनको आपस में मिक्स किया जैसे 2 और 4, और आपको कहा कि आंसर क्या होगा। ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं कि क्या उसका पीएच 1.5 होगा, क्या उसका आंसर 2 होगा, क्या उसका आंसर 2.3 होगा, क्या उसका आंसर लेट्स से 3.7 होगा या 4 होगा। तो मैंने कहा कि पहली बात तो डाइल्यूशन करने पर यानी कम स्ट्रेंथ का एसिड मिलाने पर पीएच घटेगा तो नहीं, 2 रह नहीं सकता, कुछ चेंज तो जरूर आएगा। हमने कहा एवरेज वाला आंसर आपको चूज नहीं करना चाहिए, आपको उस आंसर को चूज करना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड के पास है, क्लोजर टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से व्हेन देयर आर 2 बेस, लेट्स से 1 इज ऑफ पीएच 10 एंड अनदर इज पीएच 12, और कहा कि इनको मिक्स करो इक्वल वॉल्यूम में और आपके आंसर कुछ ऐसे हो 10, 11, 10.3, 11.7 एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हो। तो मिक्स करने पर पहली बात तो वह एवरेज नहीं होगा, पीएच सेम नहीं रहेगा। जब दो बेस सॉल्यूशंस को आप ऐड करते हो तो उस कंडीशन में पीएच विल बी ग्रेटर देन एवरेज। ओके, सो एसिडिक सॉल्यूशन में इट वुड बी लेसर देन एवरेज, वेल इन अल्कलाइन सॉल्यूशन इट वुड बी ग्रेटर देन एवरेज। वापस नियम है और शर्तें लागू है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दे आर बीइंग एट एन इक्वल वॉल्यूम, सो इट वुड बी ग्रेटर देन एवरेज। आंसर क्या आएगा, 11.7 आएगा। और जब एसिड और बेस दो इक्वल अमाउंट में ऐड किया जाता, तीसरा सिनेरियो भी लें, जब एसिड प्लस बेस को आप ऐड कर रहे हैं उस कंडीशन में व्हाट यू फाइंड इज दैट पीएच वुड बी नियर टू 7। ये हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, अभी हम न्यूमेरिकली भी बात करेंगे। तो दो एसिड के सॉल्यूशंस हैं, उनका पीएच एवरेज से थोड़ा कम होगा, और दो बेस सॉल्यूशन है उनका एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा होगा। यस, वेरी गुड अंजलि। अगर समझ में आया तो इसका आंसर निकालें। इसका आंसर निकालें। तो जो लोग भी लेट आए हैं वह लाइक जरूर करें, अपनी अटेंडेंस दे।
स्वागत अगर 4 और 7 मिक्स करें तो भी पीएच 4 के नजदीक होगा। दो एसिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। The rule is that if there are mixture of two acidic solution in equal volume, then answer would be nearer to. एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन या वो एवरेज से थोड़ा सा कम होगा, 3.8 नहीं होगा, इट वुड बी 3.3। अब इसको ये तो बात हुई लॉजिकली हमने कहा इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3.3 होना चाहिए, पर न्यूमरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो यू आर हैविंग अ 500 ml ऑफ पीएच 3 का मतलब 10^-3 मोलार कंसेंट्रेशन थी। 500 ml में 10^-3 मोलार का मतलब होता है 10^-3 मोल्स पर लीटर, तो 500 ml में कितना आया होगा, तो यू कैन से दैट इज 0.5 इनटू 10^-3 मोल्स इन 500 ml। दूसरा जो सॉल्यूशन है 500 ml ऑफ pH 4, दैट इज मींस 10^-4 मोलार, यहां से आया होगा 0.5 इनटू 10^-4 मोल्स इन 500 ml। सो टोटल दोनों का सॉल्यूशन मिलकर हो गया 1000 ml। कंसंट्रेशन में ऐड तब कर सकते हैं जब दोनों की पावर सेम हो, तो दोनों की पावर सेम करते हैं। दोनों को पावर सेम करने का सिंपल सा तरीका ये हो सकता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10^-4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10^-4 इस पहली वैल्यू को, ये 0.5 इंटू 10^-4, अब दोनों की वैल्यू सेम हो गई, दोनों को अब ऐड कर सकते हैं, दैट इज 5.5 इंटू 10^-4। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज पीएच वुड बी इक्वलेंट टू -log ऑफ 5.5 इंटू 10^-4, दैट वुड बी -log ऑफ 5.5 प्लस 10 log ऑफ 10^-4। log ऑफ 5.5 is approximately 0.7 plus 10^-4 is -4. What you are getting is -3.3. Finally, you are getting a +3.3. Numerically, bhi aap usi answer par pahunchenge. To uske hisab se calculate kar lenge. Jaise abhi humne yahan par calculation ki hai na, wo 500 ml ke hisab se ki hai. Priyanka. 500 ml में इतना है, 500 ml में इतना, तो वहां पर हम देख लेंगे 1000 ml में फिर कितना आएगा, तो वहां पर कंसंट्रेशन ये लिख देते डायरेक्टली 10^-3 इन 1000 ml, और टोटल 1500 ml में फिर हमारे पास अमाउंट आती, और 1500 ml में इतनी है तो 1000 ml में है, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। पर इतना मुश्किल सवाल हमारे एग्जाम में, बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम में नहीं आता, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अगर आप नेट केमिकल साइंसेस देने जा रहे हैं तो हो सकता है वहां पर ऐसा आए। 0.5 ऐसे आया कि 10^-3 मोल्स एक लीटर में है, तो 500 ml में कितने होंगे, उसका आधा ही होगा ना, इसलिए 0.5 आया। वेरी गुड स्नेल, log ऑफ 5 अंजलि 0.69 होता है, जो कि 0.7 के आसपास है, log ऑफ 4 0.6 होता है। ऋतुपर्णा, वॉल्यूम अलग है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे ना, पर कौन हमें अलग वॉल्यूम वाला क्वेश्चन देने वाला है, हमें तो ये सेम वॉल्यूम वाला भी देंगे तो हम कहेंगे कि ये तो अचीवमेंट हो गया, देखो हमारा एक क्वेश्चन समझ में आ गया हमें। अब हम बात कर रहे हैं वीक एसिड्स के बारे में, तो वीक एसिड्स आर दोज विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली या हम ये कह सकते हैं विच डू नॉट डिसोशिएट इजिली। सो मोस्ट ऑफ हमने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है, दे आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे चाहे वह सिट्रिक एसिड है,
या एसिटिक एसिड है या वह लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है, इवन कार्बोनिक एसिड है, और भी कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा भी कई सारी एसिड्स, जैसे कार्बोनिक एसिड है, उसके अलावा इवन फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, या सल्फ्रिक एसिड को चलो एक बार के लिए यहां से हटा देते हैं। जब कभी भी सो ऐसे कोई भी एसिड्स जो आसानी से डिसोशिएट नहीं होते, 100% डिसोशिएट नहीं होते, उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। और वीक एसिड्स को आपस में कंपेयर करना हो तो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रेफर टू एस के ए, डिसोशिएशन कांस्टेंट। हम ये कहते हैं ना, गरीबों को कंपेयर करने के लिए, गरीब एसिड्स को कंपेयर करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज रेफर टू एस के ए। आप प्रियंका टार्टरिक एसिड भी रख सकते हैं। इनोवेशन ग्रुप 0.5 × 10⁻³ को ही हमने 5 × 10⁻⁴ लिखा है ना, 0.5 × 10⁻³ लिखो या 5 × 10⁻⁴ लिखो, एक ही बात। ओके स्नेल बेटा, सो व्हाट इज के, के ए इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम के ए कह रहे हैं, कि लेट्स से कोई एसिड है एच ए, वाटर की प्रेजेंस में वो डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोनियम आयन प्लस ए माइनस आयन, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए वुड बी द डिसोसिएशन प्रोडक्ट, एंड डिसोसिएशन प्रोडक्ट इज H3O प्लस ए माइनस डिवाइड बाय HA, दैट वुड बी रेफर्ड टू एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा बन रहे हैं और ये ज्यादा बन रहे हैं, मतलब एसिड है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स dissociates more, means have high dissociation constant, that is Ka. So तीन चार या पांच weak acids है, उन weak acids में से कौन सा strong acid है, कौन सा weak acid है, उनको आपस में compare करना हो तो जिस acid का dissociation constant ज्यादा है वह acid ज्यादा strong acid है। हाँ मुकेश मेघवाल, डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इसलिए के ए लिखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में हम आगे बात करेंगे तो हम के डी टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो के डी इज सिंपली डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड के ए इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। इस तरीके से अगर के बी होता तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, के एम होता तो उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट यूटिलाइज फॉर माइकलिस मेंटेन एंजाइम, के टी होता तो हमको उसे कहते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट यूटिलाइज फॉर द ट्रांसपोर्टर्स। तो के ए इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। नहीं रीना, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट है, भी ना हम आगे चलेंगे के ए और पी के के बारे में, वो तो वही बात हुई ना, एच आयन और पी एच आयन, एच आयन और पी एच, ऐसे के ए और पी के, वेरी गुड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे डिसोसिएट मोर, दे डिसोसिएट मोर मींस दे हैव अ हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कई सारी एसिड्स, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, क्लोरस एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारी एसिड्स हैं। और जैसे जैसे आप इधर की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे के ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सो बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बताता है, एसिड की स्ट्रेंथ, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है
इसका मतलब उसकी डिसीजन होने की एबिलिटी ज्यादा है, और डिसीजन होने की एबिलिटी ज्यादा मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। उत्तरादास के एस अब कहां पर आ गया? जब माइकलिस मेंटेन एंजाइम पढ़ेंगे उसके लिए भी भगवान के लिए कुछ छोड़ दो, ठीक है। के एस भी बताएंगे, के एम भी बताएंगे, सब बताएंगे। थैंक यू रियांस। तो हम डिसीजन कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे। सो डिसीजन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? डिसीजन कांस्टेंट के ए, हम ये मानकर चल रहे हैं कोई एसिड है एच ए विच डिसोसिएट इनटू एच प्लस आयन एंड ए माइनस आयन। तो डिसीजन कांस्टेंट के ए क्या हुआ? तो डिसोसिएशन होने पर प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एच प्लस आयन। ए माइनस क्या है? कंजुगेट बेस डिवाइड बाय एच ए। ये डिसीजन कांस्टेंट है, ओके। नाउ अब हम बात कर रहे हैं वीक एसिड्स का पीएच कैसे कैलकुलेट करें। तो वीक एसिड्स का पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन एच एन की कंसंट्रेशन नहीं है। कृतिका जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनके लिए के का टर्म इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, और 100% डिसोसिएट होने का मतलब ये जीरो है और ये 100% है, और एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इट विल कम आउट टू बी इनफाइनिटी। कोई बात नहीं माधव, सब मेरे ही तो स्टूडेंट्स हैं। पंकज पढ़ने में ध्यान रखो, लोग क्या लिख रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना क्वेश्चन, अपना हमारा क्वेश्चन जब पूछना तो पूछो, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो लेट्स से आपको कहा कि 0.1 मोलार एसिटिक एसिड है, तो पीएच कितना होगा? ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमारे पास एच आयन की कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, और आपको पता हो कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड के अंदर इसमें से कितना डिसोसिएट होकर H प्लस आयन मिला, जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। उसका एक तरीका हो सकता है कि सपोज आपको कहा कि 10% डिसोसिएट्स, परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा है, तो अब आप पीएच निकाल सकते हैं। कैसे? कि अब आपको क्या करना है, 0.1 मोलार ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उसका 10% का मतलब होता है 100 में से 10, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 10% ऑफ 0.1, 10% ऑफ 0.1 मींस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, दैट इज यू कैन से 0.01, दैट वुड बी 10^-2। तो अब 10^-2 अगर आपके पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच निकाल सकते हैं, और पीएच कितना होगा? 2। तो वीक एसिड्स की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा जो तरीका होता है, दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन दी हुई हो सकती है, और परसेंटेज डिसोसिएशन से मतलब जो एसिड है उसका कितना प्रतिशत डिसोसिएट हो रहा है, उससे आपके पास एच प्लस एन आ गया, और एच प्लस एन आ गया तो अब उससे पीएच निकाल सकते हैं। हाँ रूही गुप्ता, ये हम कंडीशन मान के चल रहे हैं कि अगर परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे? अगर समझ में आया तो चलो इसके ऊपर दिमाग लगाओ कि एसिटिक एसिड है 0.1 मोलार जो कि एक वीक एसिड है, ये ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, वीक एसिड के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ में दी हुई होनी चाहिए।
रानी यहां पर मैं कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री नहीं ले पाऊंगा, कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री को जो आपको वीडियो लेक्चर्स में दिए हैं वह 80 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज के लिए तो कितने 3 महीने लगेंगे, जो संभव नहीं है। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं और आप वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं कि इसके बीच में जो अभी तक क्लास है यहां तक पूरा लॉग का पूरा कंसेप्ट भी है और भी काफी डिटेल्ड है, हर चीज हम नहीं बताई जा सकती, वो टाइम एक लिमिटेटिंग फैक्टर है। वीडियो में हर क्लास 3 से 3.5 घंटे होती है। जो भी स्टूडेंट्स लेट आए हैं वो एक बार लाइक करें, अपनी अटेंडेंस शो करें। देखो लोगों ने 3 आंसर बताया, 3 बताया, 3, 3, 3, 3, 3, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया। तो ओजोन कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की कितनी थी, 0.1 मोलार, ये एसिटिक एसिड थी। इसमें से हमें ये पता करना है कि कितना एच प्लस आयन मिलेगा, ये हमें पता करना है। और क्या लिखा हुआ है, 1% ऑफ दिस डिसोसिएट, 1% ऑफ दिस, 1% ऑफ दिस मींस 0.1 × 1/100, ऐसा लिख सकते हैं आप। That will be, you can also say that 0.1 × 10⁻², or even you can say it is 10⁻³। आपके पास H plus N की concentration आ गई 10⁻³ molar, और 10⁻³ molar ये आ गई तो pH would be minus log of 10⁻³, that would be 3। So answer क्या आया, 3। शिल्पी 4 कैसे है वापस बेटा चेक करो। यस प्रियंका वेरी गुड, स्तुति घोष वेरी गुड, वेश शर्मा 2, 3 दोनों कैसे है, टाइपिंग आई थिंक मिस्टेक हुई है। चलो समझ में आया यहां तक बात, आगे चलें, बस कुछ मिनट और जाइएगा मत, बस हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होने वाला है। एक दो कंसेप्ट और है एसिड से रिलेटेड। पीएच ऑफ वीक एसिड्स यूजिंग के ए वैल्यू, अगर परसेंटेज डिसोसिएशन नहीं दे रखी है तो हो सकता है वहां पर के ए वैल्यू दे रखी हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो। थैंक यू रानी, बस आप ट्रस्ट करें, और मैं तो कह रहा हूं आपने वीडियो लेक्चर परचेज की तो भी यहां पर पढ़े हैं। चित्रा मैंने पहली क्लास में कहा था मैं इतनी बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे सीएसआर नेट एग्जामिनेशन में, बस और आपका प्यार मिलता रहा, तो देखें आगे क्या होता है, बाकी यूनिट्स भी तो पढ़ाएंगे। नहीं सौम्या संडे को क्लास नहीं होती। अब हम बात करें वीक एसिड्स में, अब तक हमने परसेंटेज डिसोसिएशन की बात की, अब के से, और के ए क्या होता है, के ए हमने कहा था ये एसिड है एच ए विच डिसोसिएशन टू एच प्लस आयन प्लस ए माइनस आयन, तो के ए क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर एच प्लस आयन ए माइनस आयन डिवाइड बाय एच ए। सो अगर आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो आप एच प्लस आयन की वैल्यू निकाल सकते हैं, H plus ion could be calculated, क्योंकि H plus ion और A minus ion दो बराबर होंगे, यानी आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से कि Ka into the concentration of HA would be equivalent to H plus ion को X मान लें, जितना H plus ion मिलेगा उतना उतना A minus ion मिलेगा X into X, और you will say that Ka would be equivalent to concentration of acid, HA क्या है, HA is concentration of acid would be equivalent to x square. So, what would be the value of x? X would be under root of Ka concentration of HA. ऐसा करते ही आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है, आपके पास x is H plus ion concentration, और H plus ion concentration आ गई तो अब उससे pH निकाल सकते हैं, that is pH is equal to minus log of H plus ion concentration. So, अगर Ka की वैल्यू दे रखी है तो उससे भी आप H plus ion पता कर सकते हैं, पर उसके लिए ठीक है तो देख लेंगे हमने क्या क्या किया। के ए है, के ए से एच प्लस आयन निकाला, और एच प्लस आयन से हमने पीएच निकाला। ऋतु बन्ना उन किताबों को पढ़ना बंद करो, ओके, जो ऐसी एक्सरसाइज देते हैं।
हमें सिर्फ उन किताबों को पढ़ना है जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन साथ में दे रखी हो। तो के ए से एच प्लस आयन और एच प्लस आयन से पीएच निकालना। तो यहां पर अपना दिमाग लगाएं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलार हाइपोथेटिकल एसिड विथ अ के ए वैल्यू ऑफ 10^-5। नहीं सुप्रिया, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन, ये बहुत छोटा है, अभी देखो एक मिनट में करोगे, आप खुद करोगे, बस एक थोड़ा सा लंबी सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ, कंसंट्रेट योर सेल्फ, यू विल गेट द आंसर। अनिशा कॉन्टेक्ट करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोग भी पूजा साथ साथ में पढ़ो, मैंने कहा अगर आपने, जैसे मुझे उम्मीद है कोई कोई यूनिट आपने खरीदी होगी, उस यूनिट को एक साथ साथ आप कंप्लीट करो, क्योंकि अकेले कुछ नहीं होगा, थोड़ी कुछ कदम आपको चलना पड़ेगा, कुछ मुझे साथ में, हम कर पाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। जो भी लेट आए हैं वो प्लीज लाइक जरूर करें। देखो इन्होंने आंसर निकाला 3, वेरी गुड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि के ए का फॉर्मूला क्या होता है, के ए इज इक्वल टू एच प्लस आयन, ए माइनस आयन इज अ कंजुगेट बेस, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, ठीक है। एच ए की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, एच ए की कंसंट्रेशन दे रखी है हमारे पास 0.1 मोलार, जिसको आप 10^-1 मोलार भी लिख सकते हैं। के ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10^-5। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक्स है, और जो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन हम ए माइनस आयन की भी होगी, दैट वुड बी एक्स, क्योंकि जब कभी एच ए डिसोशिएट होगा तो इक्वली ये एच प्लस आयन भी देगा और ए माइनस आयन भी देगा, ठीक है। तो के ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10^-5, एच की वैल्यू एक्स एक्स, एच ए की कंसंट्रेशन दे रखी है आपके पास कितनी 10^-, के ए की वैल्यू 10^-, एच ए की कंसंट्रेशन दे रखी है 10^-5, सो वैल्यू हो गई 10^-5 इनटू 10^-1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 10^-6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 10^-3 इनटू 10^-3 भी 10^-6 होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x would be equivalent to under root of 10^-3 into 10^-3, x would be equivalent to 10^-3, और x आपके पास क्या आ गया है h plus ion concentration, so h plus ion concentration is 10^-3 molar, then pH would be 3, answer 3, very good student, Priyamvada very good, Riyans 4 कैसे आ गया बेटा, Surbhi good, शिल्पी गुड, ठीक है। तो वीक एसिड्स के अंदर या तो परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ होगा या डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज डेफिनेटली हमें वहां दे रखी होगी जिससे हम H प्लस आयन पता कर पाएंगे, और अगर एक बार H प्लस आयन हमें पता चल गया तो फिर हम पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल लास्ट कंसेप्ट कि व्हाट वी मीन बाय पीके, क्योंकि कल हम बफर्स पढ़ने वाले हैं उसमें ये काम आएगा। सो पीके इज पीएच वेयर एसिड इज हाफ डिसोशिएटेड, पीके और के में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, पीके और पर डायरेक्ट इनवर्स की बजाय लॉगरिथमिक इनवर्स रिलेशनशिप होती है, इसलिए P
टी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है, आप ही बस खत्म कर रहे हैं एक मिनट में, ध्यान नहीं लग रहा है, बस ये लास्ट कंसेप्ट है, ये बफर पढ़ने के लिए जरूरी है, थोड़ा सा एक पांच मिनट पेशेंस रखें, जरूर होगा। थैंक यू मीनाक्षी, हैप्पी बस पांच मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए फोकस करें, फिर आप चले जाना, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, पांच मिनट आप इसको। सुप्रिया वेरी गुड, गुड यशी पांडे। सो टीके और के में इनवर्स रिलेशनशिप है, मींस स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हाई के ए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे गिव मोर एच एन, हम ये याद ही रह सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे विल हैव लो पी के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से लोअर पी एच। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनकी के ए ज्यादा होगी पर पी के कम होगी, क्योंकि के और पी के में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आई अंडरस्टैंड कि हमें इतनी आदत नहीं है लगातार दो घंटे बैठने की, बट फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, हम इतना पढ़ने के बाद भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करें, प्रयास कर रहे हैं हम मिलकर। ठीक है, तो पीके और के में इनवर्स, जो दोस्ती एच एन और पी एच एन में है वही फ्रेंडशिप के और पीके में, के अगर ज्यादा है तो पीके कम होगा, के की वैल्यू कम है तो पीके ज्यादा होगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैज लो पीके वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना, वीक एसिड्स दे हैव हाई पीके वैल्यू। यानी हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पीके बेसिकली ये टर्म पीके और के की बातें हम किसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, वीक एसिड्स के लिए, कि ये वह पीएच है वेर जो एसिड की फॉर्म है और उससे बनने वाली कंजुगेट बेस फॉर्म है दोनों बराबर हो, क्योंकि जब कभी भी कोई एसिड एसोसिएट होगा तो एच प्लस आयन के साथ कोई ना कोई कंजुगेट बेस वाली फॉर्म भी आएगी। ओके, तो जहां पर 50% एसिड वाली फॉर्म हो, 50% कंजुगेट बेस वाली फॉर्म हो, जहां पर 50% जिस पीएच पर 50% एसिड लुट चुका हो, अपने एच प्लस आयन दे चुका हो, उस पीएच को पीके कहा जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बहुत कम पीएच पर ही अपना एच आयन दे चुका होगा, जो वीक एसिड है वो आसानी से 50% एसोसिएट नहीं होगा, इसलिए उसकी पीके वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी। So we can say that pKa is that pH where acid get 50% dissociated, where the acid form and its conjugate base form is equal. तो जैसे कोई एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने एसिड एड कर दिया, लेट से एसिटिक एसिड एड कर दिया, और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप यहां पर अल्कली कोई एड करते जा रहे हैं, OH इक्विवेलेंट ऐड करते रहते हैं, और तब तक OH इक्विवेलेंट ऐड करते रहते हैं जब तक कि पूरा एसिड कंज्यूम ना हो जाए, पूरा एसिड कंज्यूम ना हो जाए से मतलब है कि पूरा का पूरा एसिड लुट ना जाए, पूरा एसिड लुट ना जाए से हमारा मतलब है कि पूरा पूरा H प्लस आयन ना दे दे, तब तक हम उसको टाइट्रेट करते जाते हैं। पर 100% डिसोसिएशन से पहले कहीं ना कहीं तो कोई पॉइंट आएगा जहां पर 50% डिसोसिएट होगा, जैसे जैसे आप OH आयन यानी बेस को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे डेफिनेटली पीएच है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिस पीएच पर 50% एसिड कंज्यूम हो गया उस पीएच को हम क्या कहेंगे, पीके। जैसे एसिडिक एसिड 50% कंज्यूम 4.76 पर होता है तो हम कहेंगे कि एसिडिक एसिड का पीके क्या है, 4.76।
नहीं कावेरी, पीके इज नॉट हाफ ऑफ पीएच, पीके इज पीएच वेयर एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड, जहां पर एसिड 50% एच आयन दे चुका हो, ऐसे पीएच पर, ऐसे पीएच को पीके कहेंगे, ठीक है। अब जो मोनोप्रोटोनिक एसिड है उसकी तो एक पीके ही होती है, पर कई सारी एसिड्स हैं जो जिनके पास एक से ज्यादा H प्लस आयन हो, तो दे मे हैव अ मल्टीपल पीके। फॉर एग्जांपल अगर आप H फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की बात करें, जिसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज H3PO4, इसके पास तीन अलग अलग जगहों से एच आयन लिबरेट हो सकते हैं, यहां से एच आयन आ सकता है, यहां से एच आयन आ सकता है, इस जगह से एच आयन आ सकता है, ये ट्राई प्रोटोनिक एसिड है, जहां पर ये पहला H प्लस आयन 50% ये वाली फॉर्म हो, मतलब फ्लड से इस जगह से इसने H प्लस आयन डिसोसिएट करना शुरू किया, इस जगह पर O माइनस वाली फॉर्म आई, पीछे बच गया ये H2PO4 माइनस, जहां पर 50% ये वाली फॉर्म हो, 50% ये वाली फॉर्म हो, तो इस पीके को PK1 कहा जाएगा। लेकिन टाइट्रेशन और करते जाएं तो इस H2 में से भी H आयन और लिबरेट होगा, और H प्लस आयन और लिबरेट होने पर ये HPO4 मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट वाली फॉर्म आएगी, जहां पर 50% ये वाली फॉर्म हो, 50% ये वाली फॉर्म हो, इसे PK2 कहा जाएगा। और ज्यादा टाइट्रेशन कराने पर इस जगह से और H प्लस आयन लिबरेट कराकर इसको फॉस्फेट वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां पर 50% मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट फॉर्म हो और 50% नॉर्मल फॉस्फेट फॉर्म हो, तो इसे PK3 कहा जाएगा। So, जो कई सारी एसिड मल्टी प्रोटोनिक होती है, तो उस कंडीशन में वहां पर एक से ज्यादा पीके वैल्यू देखने को मिलेगी। इवन इसको हम कल आगे डिटेल में बात करेंगे, पर लेट से कोई अमीनो एसिड है NH3CCOH, कोई CH2COOH, तो इसकी कितनी पीके वैल्यू होगी, ये कोई अमीनो एसिड लेट से एस्पार्टिक एसिड है, इसमें कितनी पीके वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती है, नहीं प्रियंका ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो वह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का लगा रहे हो, पीके का कोई एवरेज नहीं होता है, पीके खुद एक पीएच है, जहां पर 50% एसिड डिसोसिएट हुआ, जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो एस्पार्टिक एसिड में कितनी होगी, देखो जितनी जगहों पर एसिड की तरह काम कर सकता है, तो कहां कहां पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, आप देखें, आप ध्यान से, इस जगह से H प्लस आयन लिबरेट हो सकता है, इस जगह से H प्लस आयन लिबरेट हो सकता है, इस जगह से H प्लस आयन लिबरेट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन डिफरेंट पीके होगी, इसको हम सपोज PK1 कह रहे हैं और PK1 2 है, लेट से इसे हमने PK2 का तो वो 4 है सपोज, और इसे हमने PK3 का सपोज 9.5 है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप कौन सा है, ये वाला, उसके बाद ये वाला, सबसे वीक एसिडिक ग्रुप कौन है, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये बात हुई कि एक वीक एसिड्स की जब बात करते हैं तो कहां पर एसिड 50% डिसोसिएट होता है, उस पीएच को, जहां पर वो 50% डिसोसिएट होता है, उसे पीके कहा जाता है। कई सारे एसिड्स मल्टी प्रोटोनिक होते हैं, इसलिए उनमें एक से ज्यादा पीके वैल्यू होती है, क्योंकि एक साथ तो सारे एच आयन लिबरेट होंगे नहीं, पहला जहां एच आयन 50% लिबरेट होता है उसे PK1 कह दिया जाएगा, टाइट्रेशन करने पर जहां सेकंड जगह से भी 50% एच आयन लिबरेट हो जाता है उसे PK2 कहा जाएगा, और उस मजबूरी क्रिएट करते जाओ, अल्कली को ऐड करते जाओ ऊपर से, कभी ना कभी ऐसी स्थिति भी आएगी जब थर्ड पोजीशन से भी 50% एच प्लस आयन डिसोसिएट हो जाएगा, उसे PK3 कहा जाएगा। So, आज हम यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं, आज कॉन्टेस्ट का टॉपिक अभी भी चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टेस्ट चल रहा है, कॉन्टेस्ट सिक्स आज के कॉन्टेस्ट का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। टेस्ट रात तक चालू है, कल मॉर्निंग तक भी चालू रहेगा, इसलिए पहले एक बार डीएनए डैमेज और रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ना और उसके बाद टेस्ट में शामिल होना। कल कोई टेस्ट नहीं होगा, और जो ये टेस्ट है टेस्ट सिक्स कॉन्टेस्ट, इसका डिस्कशन मंडे को होगा। कल हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास भी नहीं होगी, क्योंकि एक दिन मुझे भी रेस्ट के लिए चाहिए,
और आप लोगों को भी रेस्ट के लिए चाहिए, लेकिन आपका काम है कि जो अब तक हमने एटम मॉलिक्यूल बॉन्ड्स नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस सॉल्यूशंस पीएच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़ा है, यहां तक आप सारी चीजें वापस रिवाइज जरूर करें। मंडे को जो इससे अगला नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वह सेल सिग्नलिंग से होगा, टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो जाने से पहले जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है वह लाइक जरूर कर लें, क्योंकि लाइक करने पर उनके डैशबोर्ड पर यह वीडियो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, उनको वापस सर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लाइक जरूर करें, पसंद आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। सो थैंक यू वंस अगेन कि आप रोज हमारे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हम मिलकर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो थैंक यू, थैंक यू। वापस हम मंडे को शाम को मिलते हैं। ओके, पर उस मंडे को मॉर्निंग में दादा साहब सर आपको डीएनए डैमेज और रिपेयर के बारे में पढ़ाएंगे, और अपने फ्रेंड्स को केमिस्ट्री के लेक्चर्स के बारे में भी जरूर बताएं, फिजिक्स के लेक्चर के बारे में भी जरूर बताएं, नेट फिजिक्स और नेट केमिकल साइंसेज है उनके भी लेक्चर फ्री चल रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और सभी लोगों को रमजान की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रमजान। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, तो हैप्पी रमजान टू एवरीवन। साथ से पैरेलली चल रहा है सब्जेक्ट, आप देखो रोज कॉन्टेस्ट टेस्ट में हम एक नया टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं।